हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। श्रेणी सप्तम पिले आज क्लास रे तुमरो विज्ञान बहर जो प्रथम अध्याय अच्छी जार नाम हूँ पदार्थ। तो प्रीवियस पार्ट रे आमे यहाँ डिस्कस करते तो पुनर्बार स्टार्ट करने पूर्व पे मैंने कहना चाहूँचे प्रतिदिन संध्या 6 पीएम रे, ठीक अच्छे 6 पीएम रे रेगुलरली आम चैनल अर्थात साफ लर्नर चैनल रेगुलरली क्लासेस हो तुम्हारा एकदम फ्री क्लासेस पे मैंने तो मैंने चाहिए जो निश्चित रूपे क्लास को फ्रीली अटेंड कर निजर समस्त फ्रेंड को जॉइन कर पार्ब, ठीक अच्छे। तो से कौन करा पड़ो ना वीडियो लिंक को शेयर करा पड़ो निजर समस्त फ्रेंड मान को जहाद्वारा वीडियो को देखिकी जापरेंगे जे रेगुलरली क्लासेस होते कौन सब जापरेंगे। आहरी पे अधिक इनफर्मेशन आम टेलीग्राम चैनल गोटे क्रिएट कर तुमकें जो थे ओनली क्लास 7 पे अच्छा तेणु समस्ते से ही ग्रुप निहाती रूपे जॉइन हो पार, ठीक अच्छे। जॉइन होने कौन कर ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक दी जाएगी टेलीग्राम रो सेठी क्लिक करिवो सेठी पे क्लिक कला कौन करिवो ना ग्रुप रे जॉइन हो, ठीक अच्छे। जॉइन होगा पे तुमको सेठारे ये जो क्लासेस गुड़िक होती यार आगुआ लिंक तुमको सेठारे प्रोवाइड करा जिवो जहाँ तुमने आगुआ जापर जो क्लास कौ क्लास जाऊँगी जहाँ समस्ते अटेंड कर, ठीक अच्छे। तो चलो आरंभ करवा। देख यही पदार्थ चैप्टर पे आज आम पेज नंबर जो 6 डिस्कस करिबा स्पेशली यू देख पदार्थर तीन साधारण अवस्थार अंत रूपातरण बा इंटर कन्वर्सन यार अर्थ हूँ। देख पे आने समस्त जानते पदार्थ हूँ तीन प्रकार कौन कौन गोटे हूँ कठिन आउट हूँ तरल आउट हूँ गैसीय। तो पदार्थ एक प्रकार तीन अवस्था अच्छी। तो किसी कठिन पदार्थ तरल से कन्वर्ट हूँ आउ तरल पदार्थ गैसीय हूँ सेमती गैसीय पदार्थ तरल से हूँ तरल पदार्थ कठिन हूँ आउ किसी कठिन पदार्थ अच्छे से जगह तरल न होगी सीधा सब गैसीय हूँ आउ गैसीय कठिन हुए। तो यह प्रकार पदार्थर गोटे अवस्था अनेक अवस्था जो परिवर्तन होकर अंत रूपातरण बोली कहुए, ठीक अच्छे ना। तो देख देख पे पदार्थर अंत रूपातरण विषय षष्ठ श्रेणी में पढ़ाई। देख ताप जो आम प्रयोग करे तो कठिन पदार्थ कौन हो तरल पदार्थ में परिणत हो तरल पदार्थ को जब उत्तप्त कर गरम करसीय पदार्थ में परिवर्तित होता है। सेमती गैसीय पदार्थ जब थंडा में करदे तो सी कौन हम ना तरल पदार्थ में कनवर्ट हो तरल पदार्थ जब थंडा करवा तो पुनः कठिन पदार्थ को कनवर्ट हो। तो देख पदार्थर तीन अवस्था गोटे अनेक किपरित होप प्रयोग द्वारा देख कठिन पदार्थ अच्छी तरल अच्छी गैसीय अच्छी कठिन पदार्थ जितने ताप प्रयोग कराए तरल पदार्थ में कनवर्ट हुए तरल पदार्थ जितने ताप प्रयोग कराए गरम कराए गैसीय पदार्थ में कनवर्ट हुए गैसीय पदार्थ जितने शीतलीकरण कराए मीन थंडा कराव ता तरल पदार्थ में कनवर्ट हे तरल पदार्थ जब शीतलीकरण कराव तो पुनर्व कठिन पदार्थ में कनवर्ट हो, ठीक अच्छे। गोटे कथा मन रख पे मैंने जो राउरकेल जो इस्पात कारखाना अच्छी लुहा कारखाना जो थोर जो ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस अर्थ हो तार जो चूल्हा अच्छी से पे जो लुहा बाहूनी से लुहा जाक पे तरल बा पानी अवस्था बाहर देख लुहा देख के कठिन पदार्थ कि तरल पदार्थ में कनवर्ट हो इमाजिन कर जे से लुहा को केप गरम न दि जाइ, ठीक अच्छे ना। देख तापमात्रार परिवर्तन अनुजाई पदार्थर तीन अवस्थार अंत रूपातरण विषय जान ले। तो देख पे ये तीन टा जिनस आसा गोटे गलनांक हिमांक आफुटनांक तीन टा वार्ड आसा तीन टा वार्ड पे भेरी इंपोर्टाट। देख गलनांक अर्थ कौन ना जो तापमात्रे बरफ तरली जल में परिणत हुए कौन कहली ना जो तापमात्रे बरफ जोटा कि कठिन पदार्थ अटे तरली जल जल हूँ तरल पदार्थ तो बरफड़ा जो जल में परिणत हो जी तापमात्रा आवश्यक ताक पे तार गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बोली कहुए आउ यही प्रक्रिया को पे कहुए गलन। देख से ही तापमात्रा जो तापमात्रे बरफड़ा जल मनकर बरफड़ा मनकर 100 डिग्री सेलसीयस पानी में परिणत होगा सरी पे भूल कहली 100 डिग्री सेलसीयस आवश्यक पड़नी मनकर सपोज 1 डिग्री लगे मनकर 1 डिग्री सेलसीयस बरफड़ा जल में परिणत होगा तेज पे से 1 डिग्री सेलसीयस को कह गलनांक किंतु जो प्रक्रिय है से प्रक्रिया को कह गलन मेल्टिंग कहमती हिमांक। देख जो तापमात्रे जल मीन तरलटा थंडा है शीतलीकरण करफर में परिणत हो मीन पे गलनांक उल्टा है गलनांक कौन होता ना बरफड़ा जल में परिणत होता जलटा आउ थे बरफर में परिणत हो से तापमात्रा को कह पे हिमांक से ही तापमात्रा को हिमांक कहुए मनकर 0 डिग्री सेलसीयस मनकर जलटा बरफ में परिणत हो तो 0 डिग्री सेलसीयस को कह जल हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट बोली कह प्रक्रिया को पे कहुए
हिमायित बा घनीभूत बोली कहा जाए। सेमिति स्फुटनाक देख जो तापमात्रा रे जल बोले तरल फुटिकिरी बांफ हे मीनस ग्यास परिणत हे से ही तापमात्रा को जलर स्फुटनाक कह जाए। मनक जल 100 डिग्री सेलसीयस ग्यास बाष्पर परिणत हो तो 100 डिग्री सेलसीयस को कहा स्फुटनाक कि प्रक्रिया को कहब स्फुटन ठीक अच्छे। तो गलनाक हूँ तापमात्रा तार प्रक्रिया हूँ गलन हिमांक हूँ तापमात्रा तार प्रक्रिया हूँ हिमायित बा घनीभूत सी स्फुटनाक हूँ गोटे तापमात्रा तार प्रक्रिया हूँ स्फुटन ठीक अच्छे। गोटे कथा मन रख पे जे मुख्यतः जल 100 डिग्री सेलसीयस कौन हो जल गैस अवस्था को परिवर्तित किंतु जलर तापमात्रा स्फुटन ना कि साधारण तापमात्रा जितेबाला पे आम साधारण तापमात्रा कहे तो सीटा मुख्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड रु 35 डिग्री सेंटीग्रेड को बुझेब 25 रु 35 तो बेले कौन हो पाने ना आम जो 25 रु 35 डिग्री सेंटीग्रेड थी जल कौन हो बाष्प अवस्था को पड़े आस तो ये सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यटन गल ना तार स्फुटनाक पर्यटन गल ना तो स्फुटनाक पर्यटन न जाकर जल बाष्प अवस्था को पड़े आस पाने बाष्पीकरण कह स्फुटनी बोली कहुन यहाँ बाष्पीकरण भी कह तो उभय स्फुटन हो कि बाष्पीकरण हो प्रक्रिया जल आन्य तरल पदार्थ कौन हो निज निजर गैसी अवस्था प्राप्त होता एवं आम देखा पे एमती किसी कठिन पदार्थ अच्छी जहाँ को जो आम ताप दे तरल न होकर गैसी हो जाए ठीक अच्छे। से प्रकार पे कठिन पदार्थ को उद्वायी पदार्थ बोली कहुच्छे ठीक अच्छे। तो उद्वायी पदार्थ कौन आउ पदार्थ उद्वायी पदार्थ हिसाब से जीव चलो आम डिस्कस करवाई प्रश्न चारिड़े दे देख गंधकर्पूर नब आयोडीन दाना नब एमोनियम क्लोराइड नब तीन टा पदार्थ नब नहीं कौन कर किसी गरम कर गरम कलापर कौन देखु लेख देख कि पे नाफ्थालीन बल नब जहाँ गंधकर्पूर कहुए तो गंधकर्पूर ना हूँ नाफ्थालीन बल से गुड़क गुंड कर गोटे स्टिल गिना नब जमी तुम पिक्चर देखी पार थोड़ा देख गोटे गिनानियाला से गिनारे जो गंधकर्पूर को गुंड करके पकाला पे तले गोटे भुंसन बर्ण लगाला निआ लगाला ये निआ लगा कौन हम ना ये गंधकर्पूर थी ताप बाजी ताप बाजला पे मैंने कौन हम ना सी तल पदार्थ को जीवा परे सीधा सड़क गैसीय पदार्थ होती बांप हो बांफ होकर पे उपरक आसव ए समय गिना चारिपटे कौन कराई ना गोटे फनेल रखाई थोड़ी जेटा देखो फनेल रखाई उपर कौन कराई ना गोटे ठिपी गोटे जो थे तुला मानते उदा पा करपीटे लग जाइए जितने बांफ गुड़ी पे उपरक जीव ये अच्छे कौन उदा तुला अच्छी तो उदा तुला द्वारा कौन बना घनीकरण हो सैडे सब लगे आउ थे कौन बना से आउ थे कठिन पदार्थ लगे ये ठीक अच्छे ना तो देखो ये जिनस लिखाही थी ये तो गंधकर्पूर संग्रह कर से गुड़क गुंड कर स्टिल गिनारे निता मुह को से स्टिल गिनार मुह को घोड़े पार गोटे छोट फनेल नब आ फनेल द्वारा गंधकर्पूर गुंड को ढांकी दि कि तुला को अल्प जल रोध कर फनेल बाहर पाखे जो आस्ते आस्ते सफाई दि यह द्वारा फनेल भितर उत्तप्त होता पदार्थ थंडा हो स्टिल गिना को किसी समय अल्प गरम कर छाड़ दिव गरम करुवा बेले फनेल गिना भितर देख कठिन नाफ्तालीन तरलुची कि तो आंसर हम गिनाटी थंडा हो सारापर फनेलटी उठाई आनी देख गिनाटी जो थंडा होता आनी देख तो फनेल कौन लगी कि निहतुपी फनेल लगे ता तलना कठिन अच्छी ना ता कठिन होती है तो गिना मध्य कौन सी तल पदार्थ अच्छी कि ना तो कठिन नाफ्तालीन गुंड को उत्तप्त करने द्वारा ता तरली ना फनेल भितर पटे कौन तल पदार्थर टोपा लगी ना से गोटे कठिन पदार्थर आस्तरण लगी रही है यहाँ शुंघि जापारल कि नुआ पदार्थ नुहे से नाफ्तालीन बाष्प ही नाफ्तालीन ही अटे तो पे प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहुए ठीक अच्छे ना यहाँ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहुए मीन जो प्रक्रिया कठिनटा सीधा सड़क गैस कन्वर्ट हुए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहुए जदि पार नाफ्थालीन बदल में आयोडीन कि एमोनियम क्लोराइड नहीं परीक्षा कर तो यही केतक कठिन पदार्थ अच्छे जहाँ को गरम कले पे तल पदार्थ में परिणत होकर सीधा सड़क गैस पदार्थ को प्राप्ति हमें आ थंडा हेल्ले पुनर्व गैस अवस्था अतिर तल अवस्था न आसिक कठिन पदार्थ चली आसते यही कठिन पदार्थ गुड़िक एक स्वतंत्र प्रकार कठिन पदार्थ एगुड़क उद्वायी पदार्थ बोली आम उद्वायी कठिन पदार्थ बोली आम कहीपर ठीक अच्छे। तो देख देखिए आम गलन देखिले स्फुटन देखिले बाष्पीकरण देखिले घनीकरण देखिले सी ऊर्ध्वपातन गोटे भौतिक परिवर्तन तो यह जगह गोटे गोटे पे मैंने भौतिक परिवर्तन ठीक अच्छे। तो देख गैस पदार्थ अच्छी कठिन अच्छी तल अच्छी कठिन जो तल कराया अच्छी तो ताप दरकार गलन करा पड़ो तरल जदि गैस कराया अच्छी तो ताप दरकार स्फुटन आना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम बाष्पीकरण गैस पदार्थ अतिर कठिन पदार्थ हो तो कौन करा पड़े पे ना घनीकरण करा पड़ो थंडा करा पड़ो ना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठीक अच्छे। तो एमती प्रोसेस अच्छे
तरल पदार्थ जो थंडा करवा तो भी सी कठिन पदार्थ में कनवर्ट हो। ओके जांडक पे मैंने दहन निया जलवा हूँ एक रासायनिक प्रक्रिया। देखो चिरा कागज काठ छाली छिंडा कपड़ा चीनी इत्यादि कठिन पदार्थ को परीक्षा नली में नहीं उत्तप्त कले न तरल की पोड़ जाए अंगार यही पदार्थ गुड़िकर आभ्यंतरण उपादान गुड़िक रासायनिक परिवर्तन होता जो यह न तरल की पोड़ जाए तो पे चिरा कागज काठ छाली जो गरम करवा तो जगह तरल होगा पर पोड़ जाए ये पोड़ जाए जेहतु यार रासायनिक परिवर्तन होता जो भौतिक परिवर्तन हो न होता जो तो भौतिक परिवर्तन हेले तार भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रासायनिक परिवर्तन हेले हम ना नेक्स्ट देख पदार्थ पे मैंने गठन देख पे आम समस्त जानसे पदार्थ बहुत गुटे कणिका को नहीं गठित यही कणिका गुड़िक मध्य कौन रोचे आकर्षण बल रोच तो कितु निर्दिष्ट पदार्थ जो तीन अवस्था अच्छी तरह कणिका कणिका भितर आकर्षण बल सामान ना से कहे मन पानी कथा चिंता करा तो पानी कठिन रूप अच्छी तरल रूप अच्छी गैस रूप अच्छी तो सबुरी कणिका रही कि सबुरी कणिका जाक सामान भाव में विच्छुरी है कि ना जब कठिन पदार्थ क्या कह कठिन पदार्थ में कणिका गुड़िक पाखापाखी अच्छी तेनाली से आकर्षण बल अधिक अटे कि तरल पदार्थ में कणिका गुड़िक छाछाड़ी रोचे आकर्षण बल कम अटे गैस पदार्थ में पूरा छाछाड़ी रोचे तेणु तार आकर्षण बल आहुरी बहुत कम अटे ठीक अच्छे तो पदार्थ कणिका गुड़िक मध्य किसी शून्य स्थान थाए कणिका गुड़िक निर्दिष्ट रूप से सजा रही था जेहेतु पदार्थ कठिन तरल गैस अवस्था तहार कणिका मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न तेणु से मध्य शून्य स्थान परिमाण आगुड़ सजा मत भिन्न भिन्न अटे तो प्रत्येक कठिन पदार्थर अणुमान सजा जो प्रकार तरल ताहा ना कि गैस मत ताहा तो कणिका गुड़िक मध्य शून्य स्थान परिमाण आकर्षण बल आ कणिका गुड़िकर सजाशैली ही पदार्थ कठिन तरल गैस अवस्था को निर्धारण करता है मीन कणिका गुड़ जब बेसी पाखापाखी थे कठिन हम जब टे छाड़ी थी तो तरल हम बेसी छाड़ी दे गैस हम मीन गोटे पदार्थ कठिन कि तरल कि गैस निर्भर करुँच पदार्थ थी उपादान गुड़िक कणिका गुड़िक निर्भर कर तुम्हें कम अर्थ देला तुम्हें आगुरी संग्रह कर पे मैंने जो सेफ्टी पिन जल आउ ठिपी दिया बोतल मध्य धूप धूआ को नहीं आस आ गोटे परीक्षा करवा देखो बोतल में जलर किसी अंश हाथ धर ताकि धरीपर धूप धूर भरता धूआ को हाथ में धर तो धूआ देखिए किस समय तुम मुठार भितर रही निर्गत हो बर्तन उपर दुई परीक्षा पर सेफ्टी पिन रिच अंश आण ताक हाथ धर तो सी जापर ना अच्छा सेफ्टी पिन रार्टी को अलग करा तुमको हे तो गोटे हाथ सा पारे। ओके ठीक अच्छे देख केवल सेफ्टी पिन क्षेत्र में तार गोटे अंश अलग करने हाथ आवश्यकता कहीं पड़ा कहीं सेफ्टी पिन हूँ गोटे कठिन पदार्थ गोटे उपादान तार बाकी पार्ट जो आमको रिप्लेस कर बहुत एनर्जी लगे पड़ो। ओके देख पदार्थ पे मैंने तीन अवस्था मधुर जो कठिन अवस्था पाखापाखी कणिका गुड़िक था शून्य स्थान बहुत कम था तेणु यह अवस्था दुईट कणिका मध्य आकर्षण बल सब अधिका यही प्रबल आकर्षण बल जो कठिन पदार्थ कणिका गुड़िकर परसर दृढ़ भाव में बांधि रही था कठिन पदार्थर आयतन प्रायत स्थिर अटे आकृति प्राय स्थिर अटे आ कि अंश अलग हाथुड़ी सेपरी किसी जिनस व्यवहार करने को पड़ी था ठीक अच्छे देख बिल यहाँ हूँ कठिन पदार्थ कणिका गुड़ पाखापाखी अच्छी यहाँ तल पदार्थ कणिका गुड़ गुड़ छाछाड़ी अच्छी गैस पदार्थ आउ छाछाड़ी अच्छी तो ये प्रकार पे आम था पदार्थ पदार्थ गुड़िक देख पदार्थ कठिन पदार्थ तुलन में तल अवस्था पदार्थ रणिका गुड़िक मध्य दूरत्व सामान अधिक सतकथा तो जलर किसी अंश पे मैंने आंजुल अति सावधान नहीं पार जल निर्दिष्ट आकृति ना तार धारक पत्र धारक पात्र आकृति नहीं था मीन पानी को आम जो रखिथ्वा से तार सेप नहीं जाऊँच जल ऊर्धर निम्न को गति करे आ जल कणिका गुड़िक प्रायत एकाठी हूँ ना। ओके नेक्स्ट देख जब गैस पदार्थ कह तो तार कणिका गुड़िक परसठार मुक्त आ गैस पदार्थ को खोला पात्र बाहर छाड़े ता पल गैस पदार्थ आबद्ध पात्र रखा निम्ते रखा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट देख पदार्थर श्रेणी विभाग देख बोले जो आम भौतिक अवस्था दृष्टि पदार्थ तीन प्रकार कठिन अवस्था तल अवस्था गैस अवस्था किंतु जदि से रासायनिक संरचना देखा तो पदार्थ हूँ तीन प्रकार गोटे हूँ मौलिक जौगिक आउ मिश्रण मौलिक जौगिक आउ मिश्रण प्रत्येक पदार्थ में अनेक सूक्ष्म कणिका थी कथा तुम आगे जान तो जो पदार्थ गुड़िक केवल गोटे प्रकार कणिका थे विशुद्ध पदार्थ आ जो उदाहरण हूँ मौलिक जौगिक आउ कितने पदार्थ अच्छी जो थे अधिक रू अधिक
प्रकार कणिका था ठीक अच्छे ना कारण यह एक कारण यह एक एकाधिक विशुद्ध पदार्थ मिश्रण अटे ये पदार्थ को मिश्र पदार्थ मिश्रण बोली आम कहीपर देख तुम्हें दैनंदिन जीवन में व्यवहार करुवा कितोटी पदार्थ तालिका कर आगुड़ी मधु के विशुद्ध पदार्थ आगुड़ मिश्र पदार्थ बोली भावुच ता लिख बोली सी ठीक अच्छे तुम निजे कर तंबा काठ काठ कोईला क्यों प्रकार पदार्थ बोली भावुच देख तंबा तार काठ कोईला आ भितर जो कोईला अच्छी ठीक अच्छे ना जो कोईला से लगे यहाँ हूँ प्राकृतिक काठ बोले पे गच काटिक काठ काढ़ा हो जाता नेचुराल काठ बाहुने आंबा तार जहाँ मनुष्य तैयारी कर ठीक अच्छे तापर पे आमर तंबा तार आम हम तंबारू काठ हम पे गचरु कोईला हम कोईला मत गच पे गचर आगे कोईला तेरु तार वस्तु पदार्थ आसो पे गच काठ गच आसो तंबा तार तंबा आसो अच्छा फिल्टर पा विशुद्ध पदार्थ कि आम जो फिल्टर पा पीछे विशुद्ध पदार्थ कि आंसर आसो ना तो तंबाकु पे जिते प्रकार विश्लेषण कले तंबा भितर तंबा भितर अगर कौन पदार्थ देखा पावानी सी से लुहा सुना रूपा आलुमिनियम अंगारक गंधक उज्जान अम्लजान यो पदार्थ ना पे आम ने यहाँ जिते काटि काटिक छोट छोट कले उपादान व्यतीत अगर कौन उपादान आमको देखा मिल कारण यहीपर प्रत्येक पदार्थ केवल गोटे प्रकार कणिकार गठित यही पदार्थ गुड़िक जेको क्षेत्र संगठित हेले से विशुद्ध अवस्था एक निर्दिष्ट पदार्थ या कणिका गुड़िक एका भाई होता है अर्थात सुनारे केवल सुना कणिका था आलुमिनियम आलुमिनियम कणिका था सबुदे से ए प्रकार पदार्थ को पे मौलिक पदार्थ कहुए तो साधारण तापमात्रा अंगारक फस्फरस गंधक आयोडीन सुना रूपा तंबा दस्ता आलुमिनियम सीसा इत्यादि हूँ गोटे गठन मौलिक पारद ब्रोमिन हूँ तरल मौलिक उज्जान अम्लजान जबक्षार क्लोरीन हिलियम यह हूँ गैसीय मौलिक आज सुधा पे टोटाल 118 मौलिक उपादान मिल पार्टी ता भितर 98 हूँ पे प्राकृतिक बाकी जगह मनुष्यकृत मनुष्यकृत मौलिक अधिकांश क्षण स्थायी मीन अल्प समय रोचे ठीक अच्छे बता देखिए आम मौलिक ओके बता देखिए आम मौलिक प्रकार भेद देख मौलिक हूँ पे तीन प्रकार गोटे हूँ धातु अधातु आउ उपधातु धातु मीन जो मौलिक पदार्थ देकर करेन्ट जापे ताप जापे आम धातु कहवा न जापारे अधातु कहवा आतु अधातु मिश्री उपधातु कहवा आप किसी आक्टिविट देखिए खंडे गंधक आउ तंबा तारण ये हूँ आम अधातु ये हूँ धातु गंधक खंड को हाथे बाड़ यह द्वारा गंधक आकार कि परिवर्तन होगा जो गंधक जो अधातु बाड़ा मीन पे से भांगिज तारटी को बाड़ बाड़े मत भांग तुम्हें देखो जो गंधक खंडे गुंड होगा तंबा खंडे चेप्टा होगा तो गंधक गोटे अधातुटा तंबा हूँ गोटे धातु ठीक अच्छे तो धातु तार विभिन्न प्रकार पात्र या धातु मध्य ताप आ विद्युत शक्ति प्रभावित करें गोटे तंबा आलुमिनियम तार को धरी गोटे तंबा आलुमिनियम तार को धरी यार मुक्त मंडल को उत्तप्त कले किस समय पर आम हाथ ताति जाए ठीक अच्छे आ गरम थी चामच खाली हाथ में धरी हुए ना धातु को उत्तप्त कले ठीक अच्छे सहजरे तरल ना मत धातु जब गरम करा शीघ्र शीघ्र तलब ना टाइम नब सी से हिसाब से आम कही पारे लुहा दस्ता सीसा आलुमिनियम सुना रूपा तंबा जिंक मैग्नेशियम कैल्सियम यह गोटे धातु मौलिक पारद हूँ पे गोटे तरल धातु ये मन रखित अधातु मध्य अंगारक गंधक फस्फरस जितने जी गैस अच्छे उज्जान अम्लजान जवकर्जान क्लोरीन हिलियम यजाक ब्रोमिन हूँ एकमात्र तरल अधातु मौलिक अटे ओके देख अल्प क्षेत्र मौलिक अच्छी जो गुड़िक धातु अधातु उभय गुण परिवहन करती आम उपधातु कहवा जमीन कि आर्सेनिक आंटीमोनी यजाक हूँ गोटे गोटे उपधातु उदाहरण नेक्स्ट देख यो प्राकृतिक मौलिक पदार्थ को लेकिन आम पृथ्वीर भूतक गठित होती भूतक क्यों मौलिक केते परिमाण अच्छी ताठार दी जाए ठीक अच्छे भूतक पे पे प्राय अनेश भाग दसटी मौलिक नहीं गठित प्रत्येक जीवर प्रत्येक सजीव वस्तु साधारण चार्टा मौलिक आम देखा पाइबा से गुड़ी गला अंगारक उज्जान अम्लजान आ जवक्षारजान चार्टा आम देखा पाऊ ठीक अच्छे मन रख अंगारक उज्जान अम्लजान आ जवक्षारजान तो मौलिक नाम मात्र के शतटा अच्छे डिटेल्स देखिए मुझे पढ़ी ना तो निजे पढ़ी पार।
प्रत्येक मौलिक पदार्थर भिन्न भिन्न गुण थाए ठीक अच्छे तो पदार्थर साधारण गुण गुड़ी व्यतीत प्रत्येक मौलिक निजर केतक विशेष गुण थाए से गुड़ तुम उच्च श्रेणी पड़ो तो उजान उजान सब हूँ हाल्का मौलिक पदार्थ यह एक दहनशील पदार्थ मीनस निजे जले अम्लजान हूँ गोटे इमिजा पदार्थ जी कि दहन साहय कै उजान अम्लजान रासायनिक संयोग द्वारा जलर उत्पत्ति हो लक्ष्य करवा कथा जल दहन नुहे जल अन्य पदार्थर दहन में साय कैना बुझीप देख उजान निजे जले अम्लजान जल्द साय कै कि उजान अम्लजान मिशुची तो जल तैयारी होती कि जलर काम होगा निभर साय कर मिसीगला से रासायनिक गुण परिवर्तन हो तो दुई बा तथ्यधिक मौलिक निज भर रासायनिक प्रतिक्रिया कर नूतन पदार्थ उत्पन्न करों मौलिक अन्य क्यों मौलिक सहित क्यों अवस्था रासायनिक प्रतिक्रिया कैर ताने अध्याय पड़ो यह उत्पन्न होता नूतन पदार्थ मौलिक ठारु भिन्न गुणर होता है। ओके तो देख आम जानते कत मौलिक को नहीं से रासायनिक प्रतिक्रिया कर देखाओ कि प्रकार पदार्थ तो यहाँ छाड़। ओके तो पे आज क्लास ये था यार परवर्ती क्लास में आम तुम्हें काम एक दशम एक एक जोटा कि पेज नंबर आसुच्छी तेरह तेरह आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो चलो पहले वीडियो के एंड करवा संतु थैंक यू सो मच।